नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, बात करें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के 23 जून को बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल संग शादी करने की खबरें सामने आ रही है। उनकी शादी का कार्ड भी वायरल हो गया है। हालांकि एक्ट्रेस ने खुद शादी की खबर को कंफर्म नहीं किया। इस बीच ऐसी खबर आई थी कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा उनकी शादी को लेकर नाराज है। दरअसल जब शत्रुघ्न सिन्हा से सोनाक्षी की शादी को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अफजाल के आजकल के बच्चे पूछते नहीं हैं, सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं। मुझे भी उतना ही पता है जितना मैंने खबरों में पढ़ा है। अब जूम से बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा के क्लोज फ्रेंड पहलाज नेहलानी ने सोनाक्षी सिन्हा के शादी को लेकर रिएक्ट किया है। बेटी की शादी अटेंड करेगी शत्रुघ्न सिन्हा? शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी फैमिली बेटी सोनाक्षी की शादी अटेंड करेगी? इस सवाल के जवाब में पहलाज ने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। शत्रुघ्न अपनी बेटी सोनाक्षी से ज्यादा समय तक नाराज नहीं हो सकते हैं, वो उनकी लाडली हैं। शादी नहीं अटेंड करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। शत्रुघ्न ने कहा कि आजकल के बच्चे इन्फॉर्म करते हैं, परमिशन नहीं लेते हैं। अगर सोनाक्षी अपनी पसंद के लड़के से शादी करेंगी तो वो नाराज क्यों होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद 40 साल पहले अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। मैंने भी अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज किया था। जब मैंने शादी की तो बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। सिन्हा फैमिली में सब ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा के रिस्पॉन्स पर पहलाज ने कहा कि शत्रुघ्न जी इलेक्शन की वजह से 3 महीने से मुंबई से बाहर थे। आपने उनसे तब बात की होगी। भाभी जी पूनम सिन्हा को जरूर पता होगा। शत्रुघ्न के वापस आने पर भाभी जी ने उन्हें बताने का डिसाइड किया होगा। अब वो मुंबई आ गए हैं और सोनाक्षी और उनके परिवार में सब कुछ ठीक है। बाकी जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा शादी कर रही है उस पर आप क्या सोचते हैं, बताइए। धन्यवाद।